आज मेरे नाम बिजली बंधानन है और मेरा घर इसी जंगल में है और मेरा पिताश्री का नाम धृतराज है और इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो कि वो जानवर मेरे पिताश्री के इशारे से चलता है। और आज मैं प्रतिज्ञा की हूँ इस जंगल में जिसके ऊपर मेरी पहली नजर पड़ जाएंगे जिस पुरुष के ऊपर चाहे निगरा हो या लुल्ला हो या कुछ भी हो मैं उसे मैं अपने पति मान लूंगी और मैं उनसे मैं शादी कर लूंगी। आज मैं जा रही हूँ इस जंगल में भ्रमण करने के लिए। हेलो यजुदी न चलिए बहन आज इस जंगल में एक राजा महाराजा पानी प्यास के कारण ये बेहोश पड़ गए। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ जंगल से मैं पानी लेकर आऊंगी और इसे मैं पानी पिलाकर मैं होश में लाऊंगी। हेलो पानी। अभी मैं आ रही हूँ पानी लेकर। हेलो यजुदी न चलिए बहन के आज मैंने पानी पिलाकर होश मिलाऊंगी और आज मैं इसमें अपने पति मान ली हूँ। आज पर मैं पानी पिला देती हूँ। हेलो दिन पिलिए बहन विधाता न जाने सेनापति पचकौड़िया मेरे हाथों से धनुष बाण छीन करके भाग किया और इस जंगल का जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा था। मैं जानवर को देख करके डर के मारे पानी प्यास के मारे जमीन पे गिर गए तो फिर मुझे पानी इस घनघोर जंगल में कौन पिलाया। लगता है जरूर कोई मानव है इस घनघोर जंगल में जो मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया। कौन है, कौन है इस घनघोर जंगल में? किसने मुझे पानी पिलाया? मेरे पास आ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कौन हो तुम? क्या तू मुझे पानी पिलाई है? हाँ, आज मैं ही आपको मैं पानी पिलाकर मैं होश में लाई हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस जंगल की मेरी नाम बिजली बंजारन है। बिजली बंजारन? हाँ। अच्छा तू बिरादरी का तू बंजारन है? हाँ। और तू इसी जंगल में रहती है? मेरा घर इसी जंगल में है। कोई बात नहीं है बंजारन। अच्छा किया जो आज तू मुझे पानी पिला करके मेरे प्राण का रक्षा किया। हाँ। और मेरे पिताश्री का नाम धृतराज है।
दैतराज, हाँ इस जंगल में रहती हूँ। कोई बात नहीं है, बंजारन मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और मैं पानी प्यास के मारे बेहोश हो गया, इसलिए कि मैं जानवर को देख करके अगर मेरे हाथों में धनुष बाण होता तो मैं अब तक मैं इस जंगल को छोड़ करके चला गया होता। मेरा सेनापति, मेरा महामंत्री मेरे साथ धोखा किया, मेरे हाथों से धनुष बाण छीन करके मुझे निहत्था बना दिया और अकेला छोड़ करके वो यहां से भाग गया। बंजारन, हाँ, इस जंगल में मैं शिकार के लिए आया और बेहोशी के हालत में इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मैं भूल चुका हूं। ना जाने बहुत सा रास्ता है और तू इस जंगल में हर एक जगह से वाकिफ हो, मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो बंजारे, मैं इस जंगल को छोड़ करके चला जाऊंगा। रास्ता, रास्ता तुम्हें अवश्य में बताऊंगी, लेकिन लेकिन क्या बंजारे, मेरी तो एक प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा? हाँ, आज मेरे वो प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ नहीं समझे? कैसा प्रतिज्ञा थी तुम्हारी? प्रतिज्ञा आज मैं वही की थी जिसमें अपने झोपड़ी में बैठकर मैं प्रतिज्ञा की थी, झोपड़ी से जैसे मैं निकलूंगी और जंगल में, इस जंगल में जिसके ऊपर, जिस पुरुष के ऊपर मेरी पहली नजर पड़ जाएंगे उसे मैं अपने पति मान लूंगी, उससे मैं शादी कर लूंगी। आज आपके ऊपर मेरी पहली नजर पड़े हैं और आज मैं आपको अपने पति मान चुकी हूँ और आप में शादी कर ली। अरे रुक जा, रुक जा। अरे प्रणाम, जहाँ प्रणाम कर रही है तू, ऐसा मैं कभी नहीं सुना हो और देखा हो कि कोई किसी को देख लिया और उसके साथ में शादी कर लिया। शादी को तू कुछ नहीं समझती बंजारन। हाँ, तुम्हें शादी ही करनी है तो इंतजार करो, इस घनघोर जंगल में बहुत सा नौजवान भाई आएंगे, किसी एक को पकड़ करके शादी कर लेना। मैं शादीशुदा हूं बंजारन, महेंद्रपुर शहर का राजा हूं मैं और मेरा नाम राजा महेंद्र सिंह है। मेरे हवेली में मुझे एक बेटा और एक बेटी है। मैं शादीशुदा हूं, अब मैं शादी करके क्या करूंगा? स्वामी जी, आपके पास से एक पुत्र या पुत्री है? हाँ बंजारन, हाँ। ये तो कोई भाग वाला को मिलते हैं? हाँ। क्या बक रही है तू? मैं कुछ बक नहीं रही हूँ, आप में शादी करनी चाहती हूँ और आप में पति मान चुकी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार कभी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? आप जानते नहीं इस जंगल में कौन हूँ? इस जंगल में बिजली बंजारन हूँ। हाँ, और एक बार में आवाज लगाऊंगी, इस जंगल में ना जाने कितनी जानवर आकर आपको नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं बंजारन, ऐसा मत कहो। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे सिवा शंकर सुशीला का इस संसार में कोई नहीं है। तुम मुझे पानी पिला करके एक उपकार कर ही दिया है तो छोटा सा उपकार कर दो, मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। हाँ बंजारी, लेकिन ऐसा बात मत कहो अपने मुखारविंद से। स्वामी जी, अब मेरा उम्र शादी के योग नहीं है बंजारे। शादी के योग रहे या ना रहे, और आज मैं आप में पति मान चुके हूँ और मैं आपकी पत्नी हूँ। आप अपने मन से तू मानेगी तो मैं इस बात को कैसे मान सकता हूँ? पागल हो गई है तू बंजारी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, आपके प्यार में मैं पागल हो गई हूँ। हे भगवान, जबरदस्ती गला पड़ रही है। हेलो, क्या आप मेरे साथ शादी करनी नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं लगाऊं अपने पिता को आवाज? अपने पिता को काहे बुलाएगी तू? मैं अपने पिता को आवाज लगाऊं? बिल्कुल नहीं बंजारी। पिताजी! अरे बंद हो जा! पिताजी! भगवान, अरे चुप, चुप हो जा। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ
शंकर सुशीला को मेरे सिवा और कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है। मेरे बच्चे को संसार में जन्म दे करके मेरी महारानी सदा के लिए संसार से गुजर गई, इसलिए सोचता हूं कि अब मैं शादी करके क्या करूंगा, लेकिन तू समझने के लिए तैयार नहीं है बंजारे।